ब्रेकिंग शिवगढ़ रायबरेली। रायबरेली थाना शिवगढ़ दिवस पर नहीं हो रहा कोई समाधान, थक हार कर फरियादी घर वापस लौट जाते हैं। गौरतलब हो कि शिवगढ़ थाना प्रांगण में स्थित थाना अध्यक्ष कार्यालय में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष जितेंद्र मोहन सरोज की अध्यक्षता में कुल 10 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से 8 प्रार्थना पत्र राजस्व के थे, 2 पुलिस विभाग संबंधित रहे। मौके पर 2 मामलों का निस्तारण कराया गया, शेष 8 के लिए टीम गठित की गई। थाना क्षेत्र के पूरे गुलाब सिंह मजरे रामपुर टिकरा निवासी मिथिलेश यादव सहित 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने थाना अध्यक्ष के समक्ष थाना दिवस पर शिकायत करते हुए कहा कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा पूरे गांव का रास्ता रोक दिया गया है। शाम के 4:30 बजे तक महिला थाने पर जमी रही, किंतु उसका निस्तारण नहीं किया गया। बाद में थक हार कर महिलाएं स्वयं ही वापस चली आईं। थाना अध्यक्ष जितेंद्र मोहन सरोज ने बताया कि इस आश्वासन देकर भेजा गया है कि मौके पर जांच कराकर निस्तारण कराया जाएगा। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, जिला संवाददाता रायबरेली। क्या परिचय है आपका और आज थाने पे क्या करने क्या किस लिए आई थी? हमारा लोगों को वहाँ गलियारा है, घर भी बना है, घर में मिट्टी पड़ी थी, उसमें कह रहे हैं हमारा मकान है ये, अब खाली कर दो। जबरदस्ती वहाँ मार पीट पे आमादा हो गए सारे घर आकर के, और सब लोग मतलब पूरे गली में कब जगह थे, पूरा गाँव आ गया। मतलब क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश यादव। अच्छा, गाँव कौन सा है आपका? पूरे गुलाब सिंह पूर्व। तो कहाँ का मामला है ये? पूरे गुलाब सिंह का मैटर। तो जमीन का सही हुआ ये राजस्व विभाग में आई पूरी टीम, शिवगढ़ पुलिस भी, राजस्व विभाग के सब लोग, नेपाल कानून गो, तहसीलदार, सब लोग मिल के हर जन 16 लोगों का पट्टा हुआ था, उस लोग बंटवारा हो गया। जो ग्राम सभा बंजर में हमारी जमीन है, वहीं हमारा मकान बना है, साथ में हमको भी लपेट लेते हैं, मारपीट करने पर डेली गाली गलवत सुबह से दे रहे हैं, परसों रात में दे रहे हैं, सब लोग घर पर मिल के हम अकेले। अब दिन जब हुआ तो कौन दे रहा गाली गलौज? वो रघुनाथ, उनकी पत्नी, उनका लड़का साहब, नहीं दे रहा है एक लड़का जिनकी सतीश संतोष, ये सब 4-5 लोग मिलकर आए, हमको खरबोट लिया, यहाँ मेरे हाथ पकड़ के खींच दिया, हमको बाहर कर दिया, मेरे हाथ पे देखो खरोंच आ गई, मारपीट पे हमारा पूरा गांव आ गया चिल्लाने पे। तो आज प्रार्थना पत्र दिया? हाँ दिया सर। क्या बोले सर? ने कहा कि राजस्व विभाग नेपाल कानून को आएगा तो सब लोग अपन पर निस्तारण करने।